कोशिश करिए कुंभ की तैयारी के लिए हरिद्वार आगमन के लिए तैयार है। वहीं योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में जाकर जनता के साथ इस त्यौहार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनारस में उनके संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री के वहां के कार्यकर्ता इस त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और आपको बता दें कि इस त्यौहार के बाद से जो ड्रेस कोड नया लागू हुआ है काशी विश्वनाथ की पीठ पे, उसके लिए भी जो ड्रेस कोड का पहला आज उसका चलन है, और उसमें जो पुरुष लोग हैं वो धोती पहनकर, जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में जाकर उस त्यौहार को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। वहीं दक्षिण भारत से जल्लीकट्टू का त्यौहार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक गाइडलाइन में मनाया जा रहा है। और पोंगल केरल में जो कि पोंगल और नौकायन रेस का जो आयोजन हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन, और पूरे देश ने एक साथ इस त्यौहार को एक धागे में फिरोने की कोशिश करी है, जो कि बेहतरीन तरीके से इस त्यौहार को मनाकर एक भारत के परंपरागत सभ्यता का संकेत है। बाकी पॉलिटिकल रिपोर्टर होना, देखिए वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट चूंकि इनमें है, तो इनका अभी आपने था मकर संक्रांति, द टॉपिक वॉज मकर संक्रांति, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स कैसे कैसे आया और कहां कहां आया और किस तरह से इन्होंने यूज किया, दैट वॉज रियली ग्रेट, वेरी वेरी नाइस। आप आना चाह रहे थे,